ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर रहा। ये भारत में भुखमरी के गंभीर स्तर को दर्शाता है। ये हालत तब है जब भारत में दूध और दालों की पैदावार दुनिया में सबसे अधिक है और गेहूं, चावल और सब्जियों की पैदावार में दुनिया में दूसरे नंबर का देश है। तो ये कैसे संभव है कि हम दुनिया में महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों की पैदावार में तो अव्वल है, लेकिन हमारी आबादी पोषण और भोजन से वंचित है। इसकी एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि भारत में बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थों की बर्बादी और नुकसान हो रहा है। दरअसल भारत में हर साल लाखों टन अनाज भंडारण सुविधा के अभाव के कारण खराब हो जाता है। भारत की मौजूदा भंडारण व्यवस्था उतनी बेहतर नहीं है जितनी की होनी चाहिए, जिसके कारण अनाज की गुणवत्ता तो प्रभावित तो होती ही है, साथ में बहुमूल्य खाद्य सामग्री भी बर्बाद होती है। बता दें कि भारत में वार्षिक भंडारण हानि करीब 14 मिलियन टन खाद्यान्न है। हरित क्रांति के कारण जो अनाज के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, उसका बहुत बड़ा हिस्सा भंडारण व्यवस्था के सही रूप से ना होने के कारण बर्बाद हो रहा है। बरसात के महीनों में आज भी लाखों टन अनाज हर वर्ष सड़ जाता है। भारत में अनाज की पैदावार बहुत है, लेकिन भंडारण के लिए आधुनिक संरचनाओं की कमी है। ICAR सफिट की एक रिपोर्ट के अनुसार फसल का सबसे अधिक नुकसान किसान के स्तर पर होता है, लेकिन SFAC और FAO अध्ययनों के अनुसार ज्यादातर नुकसान खासकर फल सब्जियों के मामले में धुलाई और भंडारण के दौरान ही होता है। फिलहाल इस समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय समन्वय समिति ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना पर काम शुरू कर दिया है, जो कि सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इस योजना को देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा रहा है। इसमें प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी कि PACS के स्तर पर विभिन्न कृषि बुनियादी ढांचों का निर्माण किया जाना है, जिसमें गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयां, उचित मूल्य की दुकानें आदि शामिल हैं। इस योजना के फायदों के बारे में बात करें तो ये योजना अनाज के भंडारण क्षमता में वृद्धि करके ये योजना खाद्यान्न की अधिक आपूर्ति सुनिश्चित कर सकती है। उचित भंडारण सुविधाएं खराब होने, कीटों और अन्य कारकों के कारण खाद्यान्न की बर्बादी को कम करने में मदद करती है। इससे किसानों को फसलों को मजबूरी में नहीं बेचना पड़ेगा और उन्हें अपनी फसलों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और सहकारी समितियों से जुड़े लाखों किसानों को लाभ भी मिलेगा। हालांकि इस योजना के सामने अभी भी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकृत भंडारण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण निवेश और समन्वय की आवश्यकता होती है, जिसे इतनी जल्दी नहीं पूरा किया जा सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में गोदामों, कस्टम हायरिंग केंद्रों और प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण करना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। इतनी भारी मात्रा में अनाज को सुरक्षित तरीके से स्टोर कर पाना भी एक बड़ी चुनौती है। ये विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, बर्बादी को कम करने और सहकारी समितियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना से भारत में खाद्यान्न भंडारण में क्रांतिकारी बदलाव लाने, लाखों नागरिकों को लाभ पहुंचाने और सहकारी समितियों को मजबूत बनाने की अपार संभावनाएं हैं। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।